हेलो टू एवरी वन दिस इज़ सजीत सिंह वेलकम टू ऑल माई लवली ऑडियंस ऑन माई यूट्यूब चैनल और इस चैनल पर हम बेसिकली बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं क्लास अलेवेंथ क्लास ट्वेल्थ और नीट एस पेरेंट्स बच्चों के लिए तो अभी तक हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में स्टडी किया है आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं और बहुत सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बहुत ईजी मैनर में अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो बच्चे ये जो सीरीज़ है वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से रिलेटेड है बच्चे और ये क्लास एलेवेंथ का चैप्टर है इस सीरीज का ये फर्स्ट पार्ट है तो हम इस पूरे चैप्टर में बहुत ईजीएसट मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे कि ब्रीथिंग जो है और उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस में के जो इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको हम बहुत अच्छे से और क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे बच्चे तो मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी से एट द रेट बायो मास्टर अंडर स्कोर सुजीत एंड साथ में मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कनेक्ट हो सकते हैं बच्चे और ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है इस पर आपको करना क्या है कि आप अपने नाम अपना क्लास और अपनी सिटी का नाम लिख करके मुझे टेक्स्ट कीजिए व्हाट्सएप पर और मैं आपको एक रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा और वहाँ से भी आपको बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेंगी तो बच्चे चलो स्टार्ट करते हैं जो आज का टॉपिक है और बेसिकली अगर इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपके जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना बच्चे वो क्लियर होने चाहिए तो चैप्टर जो है बच्चे वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो देखो यहाँ पर एक टर्म आता है ब्रीथिंग तो ब्रीथिंग को अगर हम अंडरस्टैंड करें बच्चे बहुत सिंपलेस्ट वे में कि ब्रीथिंग होता क्या है तो ब्रीथिंग का मतलब ही होता है बच्चे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस ठीक है अब देखो यहाँ पर जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है अब अगर हम किसी सेल को अंडरस्टैंड करें बच्चे तो सपोज़ ये एक सेल है और सेल के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही होती हैं बहुत सारी क्या चल रही होती हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही होती हैं और इसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रन करने के लिए आपको क्या डिमांड होता है तो ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चे डिमांड होता है ठीक है अब बेसिकली सेल के अंदर ऑक्सीजन का क्या होगा ट्रांसपोर्ट होगा और इस मेटाबॉलिक रिएक्शंस का जो बाई प्रोडक्ट होता है बच्चे जिसे आप बोलते हो बाई प्रोडक्ट आपका बेसिकली क्या जनरेट होगा इस मेटाबॉलिक रिएक्शन से तो एनर्जी जनरेट होगी क्या जनरेट होगी एनर्जी और इस एनर्जी को आप यूटिलाइज करेंगे क्या बच्चे यूटिलाइज करेंगे यूटिलाइज टू परफॉर्म ऑल द परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी ठीक है तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर इसको आप अंडरस्टैंड करना चाहोगे तो जितनी भी सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही होती हैं उनका एम ऑफ टारगेट क्या होता है प्रोड्यूस करना बच्चे एनर्जी को प्रोड्यूस करना ही मेन टारगेट होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस का अब इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने में सेल को रिक्वायरमेंट क्या होता है तो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चे वो सेल्स के लिए टॉक्सिक है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल के अंदर बन रहा है इसको सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करना है और ऑक्सीजन को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है ठीक है तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वहाँ पर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है और वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है एनर्जी प्रोड्यूस होती है और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड तो इसी सेल के अगर आप इसको एटमोसफियर समझ अंडरस्टैंड करो बच्चे तो एटमोसफियर से ऑक्सीजन का अपटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज तो इसी चीज़ को आप क्या बोलते हो ब्रीथिंग प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस और हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया एक सेल के रेस्पेक्ट में तो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे यहाँ पर बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है सेल से एक्सिट हो रही है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है बच्चे सेल के अंदर क्या हो रहा है एंट्री ले रहा है तो इसी चीज को आप क्या बोलते हो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस ठीक है of of अब देखो बेसिकली अगर आप अंडरस्टैंड करो तो यहां पर सेल के अंदर जो है सेल के अंदर बेसिकली जो भी आप फूड लेते हो बच्चे उस फूड में क्या होता है मेजोरिटी ऑफ अगर कंपोनेंट की बात कर तो कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट में क्या प्रेजेंट है ग्लूकोज इसी ग्लूकोज का क्या होता है breakdown होता है इसी ग्लूकोज का क्या होता है, होता है. क्या होता बच्चे ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होने के बाद क्या जनरेट होता है तो एनर्जी क्या हो रही बच्चे जनरेट हो रही है बात समझ में आया तो ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है बच्चे मीन्स जो यहाँ पर कैटाबोलिक रिएक्शन चल रही हैं कैटाबोलिक रिएक्शन जो चल रही हैं इसी रिएक्शंस में क्या इन्वॉल्व होता है ऑक्सीजन तो जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ये मेटाबोलिक रिएक्शंस क्या हो जाएंगे हॉल्टेड हो जाएंगे मीन्स रुक जाएंगे और फाइनली क्या नहीं बनेगा आपके बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगा जब एनर्जी नहीं बन पाएगा तो आप कोई भी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ठीक है तो बेसिकली इन गैसेस की इंपॉर्टेंस आप समझ पा रहे हो तो देखो अगर मैं बात करूं यहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें यहां पर तो रिस्पिरेट्री ऑर्गन वो ऑर्गन है जो रिस्परेशन प्रोसेस में क्या कर रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करें कि जो रिस्परेटरी ऑर्गन है बच्चे वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज़म का हैबिटेट क्या है सपोज़ अगर हम किसी ऑर्गेनिजम की बात करते हैं अगर हम किसी ऑर्गेनिज़म की बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं एक तो वो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है, हैबिटेट क्या है और दूसरी चीज कि उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा इन दो पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे कि उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है और उस ऑर्गेनिज्म का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि हैबिटेट की अगर मैं बात करूं तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्वेटिक में रहता है एक्वेटिक हैबिटेट है या आप बोल सकते हो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात करो तो वो सेलुलर है या टिश्यू लेवल की बात हो रही है या आप बात कर सकते हो कि वो ऑर्गन लेवल की बात हो रही है या ऑर्गन सिस्टम की बात हो रही है ऑर्गन सिस्टम की बात हो रही है ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ बच्चे फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां पर लोअर वर्टिब्रेट्स की अगर आप बात करो लोअर वर्टिब्रेट्स की बात करो लाइक स्पॉन्जेस की अगर आप बात करते हो फ्लैटवॉर्म्स की अगर आप बात करते हो ठीक है फ्लैटवॉर्म्स की बात करते हो या आप बात करते हो सिलेंट्रेट तो इनमें बेसिकली जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस है वो मीडिएटेड होती है रिस्पिरेशन मीडिएटेड बाय सिंपल डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये क्या हो रही है बच्चे रिस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो मीडिएट होती है मतलब आप कह सकते हो कि जो लोअर वर्टिब्रेड्स हैं ये इनके इंटायर जो बॉडी का सरफेस है पूरा इंटायर बॉडी का जो सरफेस है वो उसकी हेल्प से क्या कर रहे हैं बच्चे respiration की प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं तो आप कह सकते हो बाय देयर इंटायर बॉडी सरफेस तो लोअर वर्टिब्रेट्स में अगर आप एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड करो जो इस्पॉन्जेस हैं फ्लैटवम्स हैं या सिलेंट्रेट्स हैं इनमें जो रिस्परेशन की प्रोसेस हो रही है बच्चे ये बेसिकली सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से हो रही है और इनमें इनके पूरे बॉडी का जो सरफेस एरिया है ये पूरे बॉडी के सरफेस एरिया से क्या करते हैं रिस्पायर करते हैं ठीक है थीके? अगर आप वहीं पर बात करो अगर आप वहीं पर बात करो फिसिस की आप कह सकते हो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की अगर आप बात करो बच्चे तो यहां पे अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की अगर आप बात करते हो तो फिशेस की आप बात करोगे और फिशेस में बेसिकली जो रेस्परेशन का जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू हो रहा है गिल्स के थ्रू हो रहा है बात क्लियर है और गिल्स कैसा होता है वेस्कुलराइज्ड होता है ठीक है वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर है मीन्स वेस्कुलराइज का मतलब होता है बच्चे रिच इन ब्लड यहां पर ब्लड जो है कि अमाउंट जो है बच्चे बहुत ज्यादा होगा इसीलिए आप बोलते हो वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर है अगर आप बात करते हो फ्रॉक की अगर आप बात करते हो बच्चे किसकी फ्रॉक की अगर आप बात करते हो अगर आप बात करते हो फ्रॉक की तो इनमें फ्रॉक क्या है एक तरह का एम्फीवियन है एम्फीवियन ठीक है तो अगर आप फ्रॉक की बात करते हो तो फ्रॉक जो है ना ये बेसिकली अपने अगर फ्रॉक की स्किन को आप देखो तो बहुत इसकी स्किन क्या होती है चिपचिपी टाइप की होती है मॉइस्ट स्किन होता है तो ये जो रिस्परेशन की प्रोसेस है ना ये किसके थ्रू मीडिएट करते हैं बाय मॉइस्ट स्किन के थ्रू ये क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं अगर आप अगर आप इंसेक्ट्स की बात करो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंसेक्ट्स को अंडरस्टैंड करो तो इंसेक्ट्स कि अगर आप बात करो बच्चे तो इंसेक्ट्स के अंदर बेसिकली क्या होता है अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं जिसको आप क्या बोलते हो ट्रैकिअल ट्यूब्स तो आप बोल सकते हो बाय अ नेटवर्क ऑफ बाय अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स इन्हीं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को ही आप क्या बोल देते हो कॉल्ड एज़ ट्रैकिअल ट्यूब्स बात क्लियर है तो बेसिकली हमने अंडरस्टैंड किया कि किसी भी ऑर्गेनिजम में रिस्पिरेटरी ऑर्गेन क्या होगा वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि वह ऑर्गेनिजम्स रह कहाँ रहा है मीन्स उसका हैबिटेट क्या है और उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है ठीक है तो यहाँ पर हमने अंडरस्टैंड किया कि लोअर वर्टिब्रेट्स में रिस्परेशन कैसे होता है साथ में हमने अंडरस्टैंड किया फेसिस के अंदर रिस्परेशन कैसे होता है फ्रॉक के अंदर कैसे होता है और साथ में इंसेक्ट्स के अंदर कैसा होता है ठीक है अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बच्चे रेप्टाइल्स की अगर हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की अगर हम बात करते हैं या हम बात करते हैं बर्ड्स की बात करते हैं या हम बात करते हैं मैमल्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इन सभी के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है या आप बोल सकते हो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं या आप बोल सकते हो हैव वेल आर रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी ऑर्गेन ठीक है तो यहां पर जो रेस्परेशन है रेस्पिरेशन थ्रू लंग ठीक है तो जितने भी रेप्टाइल्स हैं जितने भी बर्ड्स हैं या जितने भी मैनिमल्स हैं इनमें वेल डिफाइंड क्या होता है रेस्परेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है यहां पर लंग है बात क्लियर होगी। तो अगर हम इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में जाके देखते हैं अगर हम क्योंकि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी uh, का चैप्टर है बच्चे तो हम बेसिकली किसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे ह्यूमन के बारे में तो अगर मैं बात करूं बच्चे कि ह्यूमन में अगर हम रेस्पिरेटरी यह आप कह सकते हो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर आप बात करो तो बेसिकली यहां पर हम अंडरस्टैंड करेंगे बच्चे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में किन किन चीजों की हम बात करते हैं तो बेसिकली यहां पर जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पर पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्टल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको आप नाक बोलते हैं जो आपके फेस में प्रेजेंट है ना जिसको आप टच कर सकते फील कर सकते हो तो बेसिकली क्या है ये एक्सटर्नल पार्ट है इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं बट यहीं से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है तो इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट फेज पे लेके चलते हैं तो अगर हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एच आर एस बोलते हैं तो बेसिकली यहां पर होता क्या है बच्चे कि पेयर ऑफ क्या होता है पेयर ऑफ एक्सटर्नल एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स और ये ओपन कहां पर होती है बच्चे कोई मुझे बताएगा ओपन इन कहाँ कहां होती है नेजल चैंबर में

रीजन दूसरा पार्ट होता है बच्चे जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रीजन ठीक है तो चीजें थोड़ी सी क्लियर हो रही होंगी नाम से भी कि ये ऑल्फैक्ट्री रीजन है तो बेसिकली स्मेल के लिए है रेस्पिरेटरी रीजन है तो यहीं पर बेसिकली रेस्पिरेशन की प्रोसेस ज्यादातर मीडिएट होती है और तीसरा जो है बच्चे इसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर वेस्टिबुलर रीजन ठीक है तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो ऑल्फेक्ट्री रीजन है ये सबसे अपर पार्ट है ठीक है ये जो है बच्चे मिडल पार्ट है रेस्पिरेटरी मिडल पार्ट है और ये जो है बच्चे आपका सबसे लोअर पार्ट है नेजल चैम्बर का तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो है वो कहाँ जाके ओपन हो रही है नेजल चैम्बर में और नेजल चैम्बर के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं अल्फेक्ट्री रीजन रेस्पिरेटरी रीजन वेस्टिबुलर रीजन जिसमें ऑल्फैक्ट्री रीजन जो है सबसे अपर पार्ट है और नेजल चैम्बर का मिडल पार्ट है रेस्पिरेटरी और उसके ऊपर क्या है बच्चे तो आपका लोअर पार्ट है जिसको आप बोलते हो वेस्टिबुलर रीजन बात क्लियर है यहाँ तक तो अगर हम बात करते हैं बच्चे कि बेसिकली नेजल चैंबर जो है आगे चल के किसमें ओपन होती है तो नेजो फेरिंग्स में ओपन होती है ठीक है तो अगर मैं इसको बात करता हूं बच्चे कि नेजल चैंबर कहां जाके ओपन होती है तो ओपन इनटू नेजो फेरिंग्स और फेरिंग्स किसका पार्ट है तो एक तरह का पार्ट किसका है बच्चे इट इज अ पोर्शन ऑफ बोल सकते हैं विच इज अ पोर्शन ऑफ फेरिंग्स ठीक है तो बेसिकली ये फेरिंग्स का ही पार्ट है और फेरिंग्स क्या है बच्चे इट इज अ कॉमन पार्ट ऑफ या कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर ठीक है इसी को तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर ठीक है तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे बच्चे तो बेसिकली अभी तक हमने बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड किया है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया है बच्चे कि बेसिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इंपॉर्टेंस है, है हमारे सेल के अंदर साथ में साथ हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो किस बेसिस पर डिफ़ाइन किया गया है लोअर वर्टिब्रेट्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है साथ में आपके एक्वटिंग ऑर्गेनिजम्स uh, में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है फ्रॉग इंसेक्ट्स में क्या है और रेप्टाइल्स बर्ड मैमल्स में क्या है और थोड़ा सा हमने अंडरस्टैंड किया कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हैं और क्या क्या इन पार्ट्स के अंदर हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे तो आज के लिए इतना ही कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम